मैं इसका भी ये लगा चुका हूँ मतलब अरे यार smoking on booth and it's my week. I check this bitch like I'm Mari. Sorry bitch, I don't say sorry. Look at my cup, it got dope. I been a rover like slow. Hello guys, तो आज हम आ चुके हैं वापस से और आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने कुछ सामान ले लिया है और ये सब भी ले लिया है मतलब आपको इसको देख के पता चल ही गया होगा कि हमारे साइकिल का ब्रेक का नए वाला साइकिल का ब्रेक का वायर खराब हो गया क्या पता हो कैसे खराब हुआ तो चलिए ब्रेक को बनाते हैं लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो वीडियो को शुरू करने से पहले हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल होप यू गाइस गोइंग एब्सोल्युटली फाइन तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को सो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लगता है इसके लिए ये है हमारा ब्रेक का वायर जो हम लोग को लगेगा तो काम चालू करते हैं आप लोग देखिए वीडियो को सो हम लोग चालू करने वाले काम को तो पहले काट लेते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे जिप टाई लगा के रखा था कि यहाँ पे मतलब कुछ हमारा वायर यहाँ वहाँ ना हो पहले जिप टाई हम लोगों ने खोला उसके बाद जैसा आपको यहाँ पे दिख सकता है यहाँ पे मैं इसको लेके इसको ऐसे खोल दूँगा अब देखिए अब ये होगा इसका स्क्रू ढीला खुल गया बस यहाँ का आपका सारा काम हो गया अब इसको निकालो अरे अरे जम गया तो जैसा आपको देख सकते हैं ये भी ख़राब हो गया इसके लिए भी एक कारण से हो सकता है देखिए आपको जैसा दिख सकता है सो ये है वायर और यहाँ से कैसे करके खोलना है मैं आपको बता देता हूँ ये देखिए यहाँ जैसा कि आपको ये दोनों आपको मिलाना है और ये आपका वायर खुल जाएगा यहाँ पे वायर पूरा जाम हो चुका है यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे वायर पूरा अटक चुका है यहाँ पे तो मैं पॉज करके पहले ये वाला कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ तो फ्रेंड जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे अटक चुका है ये खुल नहीं रहा तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये वाला अटक चुका है तो इसको मैं खोलने का चेष्टा मतलब कोशिश कर रहा था लेकिन मैं सोचा कि ये वैसा नहीं हो पाएगा तो इसके लिए मैं इसको काट दे रहा हूँ डायरेक्ट तो आपका केस में अगर ये होता है तो काटने में ज़्यादा भलाई होगा क्योंकि अगर आप खोल देंगे तो ये देखिए जैसा कि ये मेरा पाइप फंस गया वैसा आपका भी पाइप फंस जा सकता है तो देखते हैं सो फ्रेंड्स ये कट भी नहीं रहा कट गया आधा कट चुका आधा बाकी है तो मैं इसको भी काट लेता हूँ पहले यही देखिए यहाँ देखिए बस और दो वायर बचा हुआ है तो ये दो वायर को भी ये देखिए ये लास्ट वायर और ये भी कट यार टूट गया लेकिन कटा नहीं पावरफुल है कट गया तो यहाँ पे दिखाते यहाँ पे देखिए जैसे कि ये देखिए खुल गया है तो पहला पार्ट खुल चुका है और ये देखिए ये पूरा कैसा रहता है मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऐसा ये आपका यहाँ लगता है ये आपका जो ये इस पार्ट रहता है इस पार्ट में लगता है लाइक दिस तो इस जगह से आपको अपने ये वालों को ऐसे खोल लेना है क्योंकि ये ख़राब है तो अगर आपका न्यू रहेगा तो आपको ऐसा नहीं करना है पूरा तो अगर आपका न्यू रहेगा तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि न्यू वाला में आपका ये ख़राब हो जाएगा खोलने पर ही ये देखिए ये खुल गया यहाँ से भीतर से आपको पाउडर मिलेगा क्योंकि ये अच्छा नहीं है अभी ख़राब हो चुका है देखिए पाउडर है भीतर में क्या पता आपको दिख रहा है कि नहीं पर ये ख़राब हो चुका है पूरा तो यहाँ से पहले हम लोग खोल लेना है यहाँ से ऐसे निकालना है यहाँ से ये हम लोगों ने ये निकाल दिया ये देखिए ये हम लोगों ने निकाल चुका है उसको फेंक देना है बस उससे तो कुछ नहीं करना है और इसको लेके
देखिए मैं दिखा देता हूँ। तो खोल लिया हमने स्क्रू ड्राइवर से एक, उसको लेके थोड़ा फैला देना जस्ट लाइक दिस। ये देखिए बस इतना फैलाइएगा, ज़्यादा मत फैलाइए कि बस इतना फैलाइएगा कि अटके ना बस। ये देखिए जैसे कि यहाँ देखिए सो हो गया वो हम लोग का। तो अब हम लोग को लेना ये छोटा वाला, क्योंकि छोटा वाला सामने लगेगा, पीछे में जो लगेगा वो बड़ा वाला लगेगा। छोटा वाला लेते हैं, छोटा वाला को लेके यहाँ पे उसको पहले डालते हैं। पहले इसको कैसे डालना मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको ऐसा, इसको ऐसा पकड़ के इसको ऐसा डालना है। ये देखिए इसको आपको ऐसा डालना है, दिख रहा है जैसा आपको। ये देखिए यहाँ पे जाके फिट हो गया। नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिख सकता है। रुकिए मैं फोकस लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये जो होल है यहाँ पे, मुंह पकड़। ये देखिए यहाँ पे जो होल है मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, यहाँ पे ये वाला होल में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बना रहे हम लोग नीचे पर, नीचे पर यहाँ पे इसको वापस से इसको टाइट कर देना, क्योंकि यही वाला है आपका। अगर अच्छा यहाँ पे भी हम लोग का खुल चुका है, बट कोई बात नहीं, मैं इसको वापस से लगा दूंगा। यहाँ देखिए अब आपका आ गया ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट में आपको क्या करना है, आपको किसी को बोलना है ब्रेक पकड़ने, मैं अकेले ही हूँ इसलिए मैं अकेले कर लेता हूँ। सो इसको ऐसा फंसा कर, इसको ऐसा फंसा के उसको घुमा के उसके बाद ब्रेक को घुमा देना बस। ये देखिए आपको फंस चुका है, हो चुका आपका, फंस गया। सो जस्ट लाइक दिस और बस हो गया आपका। इसको ऐसा घुमा के वो वाला आपका, ये देखिए ये जो है आपका अब इसी काम में आएगा, अब ये आएगा आपका इसका काम में। इसको ऐसे लगा देना है बस, यहाँ से ऐसे घुसाना है और इसको टाइट करना है। सो गाइस इसको हम लोगों ने लगा दिया और मैं थोड़ा सा पार्ट काट दिया उसका। ये देखिए कि मैं इतना तो पार्ट काट दिया क्योंकि ये जो पार्ट है ये मेरा एक्स्ट्रा हो रहा था और ये पावर ब्रेक में मेरा फिट नहीं हो रहा था। सो इसको मेरे को काटना पड़ा। सो मैं इसको पहले लगा लेता हूँ, खोलना पड़ेगा आपको इसको लगाने के लिए, इसको खोलना पड़ेगा नहीं तो आपका अटकेगा। सो मैं इसको खोल देता हूँ पहले। ये देखिए मैंने खोल दिया, यहाँ से आपका निकल गया। ये देखिए अगर आप कर दो बना लेंगे। सो गाइस हम लोग का इतना दूर तक काम हो चुका है और यहाँ पे जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं इतना पार्ट फेंक दिया, कहाँ गया वो, ठीक है मैं इतना पार्ट फेंक चुका हूँ। सो अब मैं इसको लगाता हूँ और मैं कैमरा घुमा लेता हूँ। सो मेरे को इतना काट काट के फेंकना पड़ा, वहाँ ले गया कैमरा। सो अब चेंज करते हैं इसको और चेंज ये हो चुका है, मैं ब्रेक बस इसको लगाना बचा हुआ है। तो इसको ऐसा करके इसको फिट करना है, जैसा मैं आपको बता देता हूँ। पूरा को मतलब टान में रखिएगा, मतलब जैसा कि कहीं भी फंसे ना ये, तो फंसने के टाइम में अगर आप ब्रेक मारिएगा तो आपका इंजरी हो सकता है। इसकी कंटेंट देख तो ब्रेक लगेगा अभी कि नहीं, रुक छोड़ छोड़ एक बार। ये देखिए जैसा कि ये अब एक तो चेंज हो चुका है, लेकर ब्लेड ये एक तो चेंज हो चुका है
ये वाला चेंज हो चुका है और ये अच्छा से काम कर रहा है। ये देखिए ये अच्छा से काम कर रहा है। तो अब हम लोग दूसरा वाला को लगाते हैं, दूसरा वाला को लगाते हैं। आप सब देखिए दूसरा वाला, अरे यार दूसरा वाला आपको बड़ा दिखेगा क्योंकि ये पीछे वाला ब्रेक का है। तो पहले पीछे वाले ब्रेक को खोलते हैं, उसके बाद उसको चेंज करते हैं। चलिए देखिए सबसे गिरा रहा तू। खोल लेता हूँ, ये देखिए मैं फिर से इसको सेम तरीका से खोलता हूँ। इसको प्लेट्स लेके तानना है। और ये साउंड आ रहा है, हम लोग लाइट के कारण से रास्ता में शूट कर रहे हैं इसलिए सब गाड़ी का साउंड आ रहा है। सो ये देखिए जैसा कि ये मैंने निकाल के फेंक दिया। अभी फेंक दीजिएगा, मतलब ऐसा मत फेंकिएगा, ये मैं अभी साफ़ कर दूँगा। सो मैं इसको जैसे आप मैं फेंका वैसा आप कभी मत फेंकिएगा क्योंकि मैं अभी इसको साफ़ कर दूँगा सारा। और पाइप देखिए पूरा आप लोगों को दिख रहा है, पाइप है, साफ सुथरा एग्जांपल सामने था। सो गाइस दिस वाज द नेक्स्ट वायर ऑफ एयर ब्रेक्स, सो लेट्स फिक्स इट। सो गाइस फॉर नेक्स्ट स्टेप वी आल्सो हैव टू पुल इट आउट and give some space in this hole with the screwdriver. So हम लोग ने इसको देखिए, ये देखिए मैंने जैसा कि इसको यहाँ पर जगह बना दिया है वैसा सेम आप लोगों को भी करके जगह बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर जगह रहेगा तभी आपका ये जो है ये तभी आपका इसके भीतर जाएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ मैं इसको भीतर कर लेता हूँ। ये देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए इसको सीधा लगाइएगा, अगर ये आप उल्टा लगा देते हैं तो आपका फिर खुलेगा नहीं। तो इसको सीधा लगा के आपको फिर यहाँ पे क्लोज कर देना है कि आपका ये लिख लेना। ये मैंने इसको लगा दिया। सो चलिए भी इसको इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे फिर आपको एक नॉइस सुनाई देने वाला है। ये देखिए तो मैं इसको लगा देता हूँ वापस से। तो इसको लगाने के लिए थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस है क्योंकि ये रेयर ब्रेक्स है। ये देखिए ये मैंने इसको लगाया और इसको आपको ऐसा कट करना है, कट करके इसको ऐसा को जो होल इसमें डाल के और इसको सीधा करके घुमा लेना है एक बार, क्योंकि अगर आप घुमाएंगे नहीं तो खुल जाएगा वापस से ये सब। ये देखिए देखिए आपको ऐसा करके लगा लेना है, घुमा घुमा के टाइट कर लीजिएगा क्योंकि यही मेन नच है। ये देखिए मैंने पूरा टाइट कर लिया। तो द नेक्स्ट स्टेप्स की आपको यहाँ से तो पहले आपको यहाँ से ऐसे लेके जाना है, पहले वायर कौन पुल लगा लेते हैं। सो तो उस सबसे आपको ऐसे इसको लगा लेना है और फिर यहाँ से मतलब जो आपका होल है सारा होल आपको मतलब चेंज कर लेना है। होल चेंज करने के बाद आपको ऑटोमेटिक आपको जगह मिल जाएगा। मैंने सारा होल में लगा दिया और जैसा आपको दिख सकता है मुझको फिर से इसको काटना पड़ेगा। सो मैं इसको फिर से काट लेता हूँ। फिर से देखिए मैं इतना काट लेता हूँ इसको, मतलब मुझको इतना तार वेस्ट करना पड़ेगा। नॉट अ प्रॉब्लम। तो गाइस इसको प्लीज़ मैं बोला प्लीज़ इसको संभल के काटिएगा, क्योंकि अगर इसको काटने में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि आपका ब्रेक का वायर भी कट सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा संभाल के काटिएगा। ये देखिए जैसे कि मैं काट रहा हूँ मैं खोल के ही काट लेता हूँ, इससे ज़्यादा सेफ रहेगा। तो मैं इसको वापस से खोल रहा हूँ। ये देखिए मैंने खोल दिया और इसको मैं फिर से काट रहा हूँ।
खोल के काटने से क्या रहेगा कि सेफ रहेगा। मैं इसका भी ये लगा चुका हूँ, मतलब ये अरे 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 यार टेस्ट निकल गया। तो जैसा कि ठीक है तो मैं इसको भी यहाँ पे लगा चुका हूँ, देखिए मैं इसको भी यहाँ पे लगा चुका हूँ और बस अब ब्रेक फिक्स करना बचा हुआ है तो मैं फिक्स करता हूँ। और जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे खोल होगा, देखिए जी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका एक खोल होगा, ये देखिए यहाँ पे आपका एक खोल होगा, ये देखिए आपको यहाँ से वहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए रुक जी, ये देखिए 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 ये देखिए आपको ये जो होल दिख रहा है इसी में आपको वहाँ से यहाँ पे अपना वायर जो है उसको यहाँ करना है। तो चलिए हम पहले कर लेते हैं उसको, तो इसको हम लोगों ने लगा दिया है, इसको लगाने के बाद हम लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने लगा दिया है, इसको मैं टाइट कर लेता हूँ, इसको हम लोगों ने लगा दिया और टाइट कर लिया। इसको आप मोड़ दीजिएगा ऐसे करके, क्योंकि अगर आप इसके से खुला छोड़ देंगे तो आपका आपका जब आप पैडलिंग करेंगे तो आपको ये पैर में लग सकता है। जैसे मोड़ दिया आपने इसको पकड़ो, सो गाइस यहाँ पे हम लोग का एक प्रॉब्लम हो रहा है जैसा कि आपके संग भी हो सकता है, ये देखिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये बीच से ये वाला हटा रहे हैं, ये बीच से हम लोग को ये वाला हटाना पड़ रहा है। तो इसको हम लोग बीच से हटाते हैं, सो इसको आपको बीच से हटाने के लिए उतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ब्रेक खोलना है, ब्रेक हम लोगों ने लूज़ कर दिया, अब बस इसको आपको सीधा करके इसको निकाल लेना है, सीधा करके आपको इसको निकाल लेना है। तो आपको सीधा करके ऐसे निकालना है, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं नोज क्लास, तो जिसका मतलब ऐसे करके रहता है। तो इसको पहले ऐसे करके इसको ऐसे घुमाना है और इसको ऐसे निकाल लेना है, बस ये हम लोग का ये वायर आउट हो चुका है। तो ये वायर हम लोग आउट कर लिया, अब इसको खोलने के लिए तोड़ने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि अगर इसको हम लोग खोलने का कोशिश किए तो पूरा खोलना पड़ेगा हम लोग को। सो तोड़ दो, तोड़ते हैं गाइस, हम लोग पूरा इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि अगर हम लोग इसको तोड़ने का कोशिश किए वायर भी डैमेज हो सकता है, तो एक काम करते हैं इसको पूरा ही खोल देते हैं। तो इसको पूरा खोलते हैं, पूरा खोलने के बाद सेम प्रोसेस है, तो इसके लिए मैं आपको एक बार में दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिया, इसको हटा दिया, ये देखिए आप देखिए, ये देखिए ये हम लोग का वायर और पीछे का ब्रेक देख सकते हैं आप, पीछे का ब्रेक पीछे का ब्रेक आप ये देख सकते हैं। तो इसको बैलेंस्ड भी करना पड़ेगा, तो बैलेंस। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, अगर आप इतना दूर तक देख लें तो लाइक भी कर दीजिए चैनल को। तो ये देखिए यार साइकिल, ये देखिए ब्रेक अब एकदम मतलब अच्छा से काम कर रहा है। सो अगर आपको देखना है कि कैसे करके हम लोग ब्रेक को बैलेंस करते हैं तो उसके लिए मैं पोल दे दूँगा, पोल में दे सकते हैं। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय।